अक्सर लोग कहते हैं कि डबल पॉइंट्स बुरे होते हैं क्या हो अगर मैं कहूँ कि डबल पॉइंट्स अच्छे होते हैं क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके डबल पॉइंट्स अच्छे हैं लेकिन अपोनेंट के डबल पॉइंट्स बुरे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित इस वीडियो में जो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं ये मैंने अपने स्टूडेंट क्षत्रिय वेखंडे को भी सिखाया है जो कि 14 साल का एक 2200 का फेडरेटेड कैंडिडेट मास्टर है और ये स्ट्रेटेजी से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी इम्प्रूव होगी ये स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम एक गेम देखेंगे जिसमें वाइट माइस लॉ है ब्लैक रशेस की है और यह गेम 1948 में खेली गई है तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला नाइट टू डी फाइव नाइट सेंटर पे स्ट्रॉन्ग होता है रुक ब्लैक यहाँ पे ई इंटू डी फोर सी इंटू डी थ्रेड दे रहा है तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला डी इंटू फाइव बिशप इंटू ई अगर ब्लैक डी इंटू फाइव खेलता है तो व्हाइट खेलेगा नाइट इंटू एफ सिक्स चेक अब ब्लैक क्वीन से मार नहीं सकता बिकॉज क्वीन इंटू बिशप आ रहा है तो ब्लैक को करना पड़ेगा जी इंटू एफ सिक्स अब यहाँ पे व्हाइट बेटर है क्योंकि ब्लैक का किंग एक्सपोज हो चुका है और उसका पॉन स्ट्रक्चर भी बिगड़ चुका है तो इसीलिए पे ब्लैक ने खेला बिशप नाइट है, है। अब इस पोजीशन में आप खुद सोचिए अगर आप व्हाइट होते तो आप क्या खेलते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि व्हाइट को बिशप ई खेलना चाहिए जिससे कि सेंटर कंट्रोल और डेवलपमेंट दोनों भी हो रहा है लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने खेला है क्वीन टू एफ अब व्हाइट की क्वीन और बिशप ये दोनों भी मिलके f7 के पॉइंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं इसी के साथ में वाइट का एक थ्रेट है। यहाँ पे B5 जैसा कोई नॉर्मल मूव खेलता है तो यहाँ पे वाइट अपना दे सकता है बाय प्लेइंग बिशप इंटू एट सिक्स जी इंटू एट सिक्स नाइट एफ सिक्स इंटू डी सेवन क्वीन इंटू डी सेवन क्वीन एफ सिक्स किंग एच सेवन क्योंकि अगर ब्लैक किंग जी एट खेलता है तो व्हाइट खेलेगा क्वीन टेक्स जी सिक्स चेक और एफ का पॉन जो है वो क्वीन को मार नहीं सकता है क्योंकि वो पिन में। और अगर ब्लैक किंग है तो व्हाइट खेलेगा ब्लैक ब्लैक की क्वीन क्वीन को अपने नाइट नाइट का सपोर्ट छोड़ना पड़ता है है और और ये क्लियरली विनिंग फॉर अगर यहाँ पे नाइट F6 चेक को किंग F8 क्वीन इंटू जी सिक्स और ये पोजिशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है तो इसलिए गेम में ब्लैक ने बिशप ई सिक्स खेला है और अब एक चीज नोट कीजिएगा ये सेक्रीफाइस नहीं चलेगा बिकॉज एफ सेवन प्रोटेक्टेड है अब यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स बिशप टू ई थ्री खेलेंगे जो कि एक नॉर्मल मूव है बिकॉज अगेन ये डेवलपमेंट और सेंटर कंट्रोल कर रहा है लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने अटैकिंग मूव है और यही पॉइंट था व्हाइट का रुक डी वन खेलने का अब वाइट अपना बिशप भी डेवलप करेगा और रुक ए डी वन खेल के वो अपने रुक को भी ओपन फाइल पे लाएगा आपने सुना होगा कि रुक्स को ओपन फाइल पे लाना चाहिए आप देख सकते कि इस स्ट्रेटेजी को स्माइसॉक किस से फॉलो कर रहे हैं क्वीन ई सेवन बिशप ई थ्री एक अच्छा मुंह है जो कि व्हाइट खेल सकते हैं लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने एक और बढ़िया मुंह खेला हुआ है क्वीन टू एफ व्हाइट का एक थ्रेट रूप टू डी सेवन है अब गेम में तो ब्लैक ने नाइट एफेट खेला है लेकिन अगर ब्लैक रुक ए टू डी एट खेलता है तो व्हाइट सेक्रीफाइस रुक इंटू डी एट रुक इन टू डी एट क्वीन इंटू जी सिक्स को मार नहीं सकता है किंग एफेट क्वीन इंटू एच सिक्स चेक व्हाइट दो पॉइंट अप है और ये पोजिशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है तो इसीलिए गेम में ब्लैक ने नाइट एफेट खेला है बिशप थ्री नाइट ई सिक्स व्हाइट का ई वन का रुक जो एक्टिव नहीं है व्हाइट उसको एक्टिवेट करता है बाय प्लेइंग रुक a2d1 और व्हाइट ने अपने रूक्स को डबल कर दिया ओपन फाइल के ऊपर रुक e2d8 व्हाइट ने खेला पॉन पोन g3 इससे व्हाइट को फ्यूचर में भी कोई बैक रैंक का प्रॉब्लम नहीं आएगा एट द सेम टाइम ब्लैक नाइट f4 भी नहीं खेल सकता है एक और रीजन है जो कि गेम में हमको आगे पता चलेगा अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाइट के f3 g2 और h3 ये स्क्वायर वीक हो गए तो किंग एक्सपोज हो जाएगा ये चीज तो स्वाइसलो भी जानते होंगे लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये ये खेला है रीजन ये है रीजन कि ब्लैक के पास कोई लाइट स्क्वायर बिशप नहीं है और ब्लैक की पोजिशन में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो इन वीक स्क्वायर्स का फायदा उठा सके रूक डी सिक्स ब्लैक का एट का रूप पैसिव है तो वो अपने रुक को गेम में लाना चाहता है बाय प्लेइंग रुक ए टू डी एट व्हाइट ने अपने रुक को एक्सचेंज किया बाय प्लेइंग रुक इन टू डी सिक्स C इंटू डी सिक्स इस मूव की वजह से ब्लैक की पोजिशन में काफी सारे वीकनेसेस क्रिएट हो चुके हैं ब्लैक का डी फाइव का स्क्वायर एक वीक स्क्वायर हो चुका है वीक स्क्वायर स्क्वायर मतलब वो जिस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है ब्लैक का डी सिक्स का पॉन एक बैकवर्ड पॉन है और बी सिक्स भी एक वीक स्क्वायर बन चुका है और अब हम कुछ ऐसे सिक्वेंस ऑफ मूव देखने वाले हैं जिससे की आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्वीन टू जी फोर जी सेवन का पॉइंट पिन में तो व्हाइट बिशपटेक्स एच सिक्स का थ्रेड दे रहे हैं किंग टू एच एट उस पॉन को अनपिन करने के लिए अब अगर व्हाइट रूक डी थ्री खेलता है विद विद्या ऑफ क्वीन टू डी वन जिससे कि हम डी सिक्स के पॉन के ऊपर अटैक करें तो ब्लैक रूक ए टू डी एट खेल के उस पॉन को डिफेंड कर देगा इसीलिए यहाँ पे व्हाइट ने खेला बिशप टू बी सिक्स अब रूक डी एट अगर आएगा ही नहीं तो वो इस पॉन को डिफेंड कैसे करेगा तो अब व्हाइट रूक डी थ्री और क्वीन डी वन का थ्रेट दे रहा है जिससे की वो डी सिक्स के पॉन को विन कर सके तो ब्लैक ने खेला नाइट टू बी एट अब व्हाइट यहाँ पे रूक डी थ्री नहीं खेल सकता है क्योंकि ब्लैक खेलेगा नाइट टू डी सेवन बिशप पर अटैक है बिशप ए फाइव B6, Bishop B4, और Knight C5, और अब अब का काफी हद तक हो चुका है 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 तो इसीलिए पे आपको रुक D3 नहीं खेलना है। अब ये एक बहुत ही important moment है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे को क्या खेलना चाहिए तो यहाँ पे ने खेला इंटू E6, F इंटू E6, अब हो सकता है कि ये काफी सारे लोगों को मिल गया हो लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर ये मूव भी आपको मिला है तो आप करेक्ट ट्रैक पर हैं। यहाँ पे व्हाइट ने खेला है क्वीन टू एच फोर ये एक जबरदस्त मूव है अब ब्लैक ने गेम में तो क्वीन डी सेवन खेला है लेकिन अगर ब्लैक क्वीन इंटू एच फोर खेलते हैं तो व्हाइट खेलेगा जी इंटू एच फोर और ये पोजिशन में देखिए आपके डबल पॉइंट जो है वो अच्छे है क्योंकि अगर आपके डबल पॉइंट नहीं, तो नहीं होते हैं तो क्वीन जो कि डिफेंडर थे डी सिक्स के वो एक्सचेंज नहीं होते और यहाँ पे ब्लैक के डबल पॉइंट जो है वो बुरे हैं जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था आपके डबल पॉइंट अच्छे है लेकिन आपके अपोनेंट के डबल पॉइंट बुरे हैं और अब ब्लैक डी सिक्स के पॉइंट को डिफेंड कर ही नहीं सकते हैं लेट से ब्लैक नाइट डी सेवन खेल है तो व्हाइट खेलेगा रुक इंटू डी सिक्स नाइट इंटू बी सिक्स रुक इंटू बी सिक्स अटैक है व्हाइट यहाँ पे रुक इंटू बी सेवन और रुक इंटू सिक्स ये दोनों भी थ्रेड दे रहा है तो ये पोजिशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है जब व्हाइट ने जी थ्री खेला था तो मैंने आपको कहा था की जी थ्री का एक और रीजन है अब देखिए व्हाइट जी थ्री की वजह से ही क्वीन टू एच फोर खेल पाया तो गेम में ब्लैक ने खेला क्वीन डी सेवन क्वीन डी एट चेक क्वीन इंटू डी एट बिशप इंटू डी एट नाइट टू बिशप ब्लैक अपने डी सिक्स के पॉइंट को वैसे भी नहीं बचा सकते हैं नाइट सी फाइव रुक इन टू डी सिक्स वाइट एक पॉइंट अप हो चुका है नाइट टेक्सोर को वाइट रुक टेक्स टेक्सिक्स खेलेगा तो एक अच्छे प्लेयर के लिए ये एक विनिंग पोजीशन है और कुछ मूव के बाद में व्हाइट ये गेम को भी जीत गया है द लेजेंड विश्वनाथन आनंद का एक जबरदस्त चेस ओपनिंग ट्रैप सीखना है तो ये वीडियो जरूर देखें